हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ब्रेकर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कोरोना वायरस या पैंडमिक नियम की ज़रूरत क्यों है और भविष्य में इसकी हमें कितनी ज़रूरत है भारत की इकोनॉमी और ह्यूमन इकोनॉमी को देखते हुए। साथ ही और इस तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोविड लो नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2 के कारण होता है। इसे WHO द्वारा एक महामारी घोषित किया गया है और यह दुनिया भर में एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट है। अभी तक किए गए रामबाणों की सीमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि दुनिया एक ठहराव पर आ गई है। वैश्विक स्तर पर क्वारंटाइन और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत ने भी लोगों को कानूनी रूप से लागू क्वारंटाइन या सेल्फ क्वारंटाइन के अधीन किया है। यह इस संदर्भ में है कि भारत कोविड-19 के प्रकोप का शमन और नियंत्रण केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने क्वारंटाइन एनफोर्समेंट के लिए सामान्य कानून उपायों को अपनाया है, जो महामारी और महामारी के समय में प्रभावी साबित हुए हैं। संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के मामले गिब्बंस वी ऑक्टन के शुरुआती फैसले से एक प्रारंभिक मिसाल मिलती है, जिसमें राज्य की शक्तियों को संगरोध कानूनों को लागू करने और स्वास्थ्य नियमों को लागू करने के लिए स्वास्थ्य आपात स्थिति, खतरनाक बीमारियों और वायरल के मामलों में नियोजित ठहराया जाता है। IPC सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित है, जिसे दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक सार्वजनिक उपद्रव से निपटने वाला और दूसरा संगरोध शासन से निपटने वाला। IPC कानून को आगे महामारी रोग अधिनियम द्वारा पूरक बनाया गया है। 1897 का यह कानून पहली बार पूर्व ब्रिटिश भारत में मुंबई बुबोनिक प्लेग के प्रकोप से निपटने के लिए लागू किया गया था और यह अक्सर हैजा, मलेरिया, डेंगू बुखार या स्वाइन फ्लू जैसी महामारियों की रोकथाम के लिए लागू किया जाता है। संगरोध कानून के प्रवर्तन और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की कैंपिंग को बढ़ाया गया है। संगरोध की अवधारणा सामाजिक प्रसार के लिए वायरस के प्रसार को रोकने और रखरखाव के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करती है। आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति कोविड-19 के बीच भारत में वर्तमान स्थिति संगरोधी कानून प्रवर्तन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 621 और 1021 से प्राप्त होती है। क्वारंटाइन कानून और लोगों और राज्य द्वारा समान रूप से इसका अनुपालन शायद ही किया जा सकता है। न्यायालय हमेशा राज्य की शक्ति को लागू करने की ओर झुके हुए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभ्यास में क्वारंटाइन उन व्यक्तियों के अलगाव को संदर्भित करता है जो एक संक्रमित बीमारी के संपर्क में आए हैं। आइसोलेशन इसके विपरीत उन लोगों के अलगाव पर लागू होता है जो संक्रमित होने के लिए जाने जाते हैं। इस संदर्भ में सामान्य कानून उपाय की प्रासंगिकता स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के दृष्टिकोण, दवाओं तक पहुंच और चिकित्सा वितरण की चिकित्सीय धारणा से समकालीन समानता में एक अनूठी जांच है। IPC की धारा 268 के तहत एक सार्वजनिक उपद्रव का प्रावधान इस बात की परिकल्पना करता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक उपद्रव का दोषी होता है जब वह एक ऐसा कार्य करता है जिसे जनता को कोई भी चोट, अवरोध, खतरा या झुंझलाहट होती है। IPC की धारा 290 के तहत सार्वजनिक उपद्रव की सजा ₹200 का जुर्माना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अडॉप्टेड ₹200 अत्यधिक था जब IPC को 108 साल पहले अपनाया गया था। निषेधाज्ञा के बाद सार्वजनिक उपद्रव की निरंतरता और निरंतर उपद्रव का मामला है। IPC की धारा 291 के तहत इस तरह का उपद्रव करने पर 6 महीने की कैद या जुर्माना दोनों ही की सजा हो सकती है। IPC के आवेदन का आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता की धारा 133 द्वारा सुगम किया गया है। हालांकि मजिस्ट्रेट ना तो पुलिस रिपोर्टर पर निर्भर है और ना ही सूचना के अन्य स्रोतों पर, लेकिन सुमोटो इस तरह के सबूत ले सकता है क्योंकि वह फिट बैठता है। नगर पालिका परिषद रतलाम बनाम वर्दी चंद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, शालीनता और नैतिकता के संदर्भ में एक दूरसंचार व्याख्या की है जो IPC की धारा 188 और 268 को तार्किक रूप से CRPC की धारा 133 के साथ जोड़ रही है। न्यायालय के अनुसार इस तरह का प्रस्ताव IPC की धारा 188 के तहत उचित है।
निर्णय नागरिकों को महामारी और महामारी के समान रूप से बचाने के लिए एक मजबूत जनादेश में प्रतीत होता है। सुस्त कानून के परिवर्तन को दिखाता है। यह बताता है कि शालीनता और प्रतिष्ठा है, मानव अधिकारों के गैर प्रक्रम पहलू और स्थानीय स्वशासी निकायों का यह पहला आरोप है। यह नोट करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी विशाल क्षमता के बावजूद निर्णय को रेखांकित किया गया है। औपनिवेशिक कानून और इसकी टेक्नोलॉजिकल व्याख्या का दंडात्मक विश्लेषण वर्तमान लॉकडाउन परिदृश्य के मद्देनजर अत्यधिक प्रासंगिक लगता है। भारत में क्वारंटाइन और एपिडेमिक कानून का प्रवर्तन। आईपीसी एक विजनरी कोड है क्योंकि उस समय ऐसा कानून इंग्लैंड में अस्तित्व में नहीं था। सार्वजनिक उपद्रव की रोकथाम के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक आईपीसी का क्वारंटाइन प्रावधान है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 और धारा 133 सीआरपीसी कोविड 19 महामारी और लॉकडाउन आदेशों के वर्तमान परिदृश्य में महत्वपूर्ण महत्व मानती है। जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलने के लिए एक लापरवाह अधिनियम से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान आईपीसी की धारा 269 है, जो कोई भी अवैध रूप से या लापरवाही के जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलने के लिए जानबूझकर कोई कार्य करता है उसे 6 महीने कारावास की सजा दी जाएगी। महीने और ठीक या दोनों धारा 270 में प्रावधान है कि किसी भी घातक कार्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना है 2 साल के कारावास की सजा दी जाएगी। धारा 271 में यह भी प्रावधान है कि क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा 6 महीने के कारावास या जुर्माने के अधीन है। भारत ने कोविड 19 को नियंत्रित करने के लिए भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी रोग अधिनियम की धारा 2 लागू की है। यह राज्य सरकार को विशेष उपाय करने और खतरनाक महामारी के रूप में नियमों को निर्धारित करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी जहाज के निरीक्षण या किसी भी बंदरगाह पर पहुंचने के इच्छुक व्यक्ति के उपायों या निरोध के नियमों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 3 में 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों निर्धारित हैं। कानून को लागू करने के लिए अच्छे विश्वास में काम करने वाला अधिकारी धारा 4 के तहत किसी भी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही से सुरक्षित है। यह औपनिवेशिक कानून भारत में गुजरात में हैजा, चंडीगढ़ में मलेरिया, दिल्ली में डेंगू बुखार और पुणे में स्वाइन फ्लू को नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक रूप से लागू किया गया था। कोविड 19 महामारी की रोकथाम और संक्रमक रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पुराने कानून का आवेदन एक दिलचस्प आधुनिक अनुप्रयोग है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत पोषण सुरक्षा जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य है। म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम में सर्वोच्च न्यायालय वी वर्दी चंद ने फैसला सुनाया कि ऐसी शक्ति के अभ्यास में न्यायपालिका को न्याय तक पहुंच के व्यापक सिद्धांत द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 38 में समतावादी मूल्यों पर निर्भर था, फिर भी अदालतों को राज्य द्वारा प्रवर्तन से पहले तर्कशीलता और पर्यात्मक तैयारियों के आधार पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यह सवाल जनहित याचिका के माध्यम से अलग आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ में उठाया गया था। रिट ने हजारों प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला जो अपने परिवारों के साथ अपने कार्यस्थल से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कोविड 19 लॉकडाउन ऑर्डर की अवहेलना कर रहे थे। परिवहन के किसी भी साधन के बिना फंसे बेरोजगार और प्रवासी कामगार मिडलैंड में जबरन बंदियों से कम नहीं है। आईपीसी की धारा 188 के तहत पुलिस की कार्रवाई उचित है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप लोगों के खिलाफ दुर्व्यवहार की जरूरत है। राज्य की सीमाओं को सील करने से आवाजाही की स्वतंत्रता बाधित हुई और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुक गई। भारत में कोविड 19 का प्रकोप अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत नया है। संक्रमित व्यक्तियों की विशेषताओं की उचित निगरानी और पारदर्शी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जब भारत सहित दुनिया का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन में है तो देशों की अर्थव्यवस्थाओं भी कठिन हिट है। फैलने की सीमित करने के लिए तुरंत उपलब्ध एक टीका के बिना सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक आकस्मिक योजना के साथ आना चाहिए। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य
देखभाल प्रणाली कुछ राज्यों में कुछ अपवादों के साथ निराशाजनक है। भारत अपने जीडीपी का 3.6% सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जो नेपाल जैसे कुछ छोटे पड़ोसियों से कम है। भारत में प्रति 10,000 लोगों पर केवल 8 डॉक्टर हैं। सबसे अच्छी रणनीति कई चोटियों के लिए तैयार की जानी है, यहाँ तक कि तत्काल संगरोध आदेशों के साथ राष्ट्रीय आपदा की घोषणा और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कोविड 19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रभावी कानूनी तंत्र और आकस्मिक योजना की भी अभी भी तत्काल आवश्यकता है। थैंक यू।